फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना से संक्रमितों के मरीजों में इजाफा ही हो रहा है। इसी बीच अब हरिद्वार में भी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया। उत्तराखंड में अब तक 32 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 2 हरिद्वार जिले के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें, एक रुड़की से मिला है तो दूसरा ज्वालापुर के पावधुई मोहल्ले से सामने आया है। वहीं इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट सामने आया है कि ये दोनों ही कोरोना पॉजिटिव जमात में शामिल होकर आए थे। बीते बुधवार को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने ज्वालापुर के पावधोई से 10 जमातियों को आइसोलेट कराया था और सभी के सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें से आज एक जमाती के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने पॉजिटिव मिले जमाती के परिवार को भी घर में क्वारंटाइन कर दिया है। काफी आबादी वाले क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। सीओसीटी अभय सिंह ने बताया कि यह क्षेत्र काफी बड़ा है और यहां पर आबादी भी अधिक है, इसलिए पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही अधिक आबादी होने के कारण क्षेत्र के आसपास के इलाकों को भी सैनिटाइज करवाया जाएगा। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं हरिद्वार के सीओसीटी अभय सिंह। देखिए, इस पावधोई मोहल्ले से लगभग 10 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन थे। इसमें एक व्यक्ति में सिम्टम आने के बाद इनकी ब्लड रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये पॉजिटिव पाया गया। इसीलिए एहतियातन जो उनके सारे यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स है और यहाँ पे जो भी एंट्री एग्जिट मार्ग है, उस सबको हमने एहतियातन अभी तुरंत बंद कर दिया है। नगर निगम की टीम आ रही है जो इस एरिया को आ करके और पूरा सैनिटाइज करेगी। हमारे डॉक्टर्स की टीम आ चुकी है, उनके द्वारा भी जो आवश्यक एक्शन है वो लगातार किया जा रहा है और एहतियातन अभी हमने पूरे एरिया को सील कर दिया। अभी चूँकि ये काफ़ी एक बड़ा इलाका है और बड़ा इलाका होने की वजह से संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो भी एहतियातन इसके एंट्री एग्जिट मार्ग हैं लगभग सारे मार्गों को बंद कर दिया। अभी एक व्यक्ति की रिपोर्ट आई, निश्चित रूप से यहाँ से लगे हुए भी जो भी है उसको भी हम पूरा अभी सैनिटाइज करवाएंगे। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।